हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा एवरीडे डिनर और किचन क्लीनिंग रूटीन, और मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम की सब्जी कैप्सिकम के साथ, और बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है। और एक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और मैंने अपनी सब्जी बनाने के लिए लिया है ये एक मीडियम साइज़ का अनियन, जिसको मैंने छील कर धो लिया है, और ये एक मैनुअल चॉपर है, बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर मेरी राइट हैंड की सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद नाइफ से चॉप करना इट वाज नॉट इजी फॉर मी, तो मैंने ये चॉपर लिया और उसके बाद मैं एवरी डे इसको यूज़ कर रही हूँ। 2-3 पुल में ही ये आपकी सब्जियों को बहुत फाइनली चॉप कर देता है, जितना फाइन आपको चाहिए आप उतना इसको पुल कीजिए, एंड इट्स रियली रियली वेरी गुड। ब्लेड्स इसके बहुत शार्प हैं, तो बच्चों से थोड़ा आप दूर ही रखिए। और ये देखिए कितनी बारीक इसने प्याज काट के तैयार करी है बिना किसी हैसल के। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से पूंछ लूँगी और इसमें से अनियंस अपनी निकाल दूँगी। ब्लेड को मैं साथ के साथ ही धोकर और रख देती हूँ, ताकि मेरी बेटी इस तक ना पहुँचे। और अब मैंने एक वॉक कढ़ाई ली है और इसको मैंने हाई हीट पर ऑन कर दिया है, और जैसे ही ये गर्म होगी इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और ऑयल जैसे ही गर्म हो उसमें 1 टीस्पून आप क्यूमिन सीड जीरा डाल दें, और जैसे ही जीरा आपका क्रैकल हो उसमें आप अपनी अनियंस डाल दें, और अनियंस को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। और मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटो और 2 ग्रीन चिली ली हैं, जिसमें से एक लाल हो चुकी है, और इनको मैं दही के साथ इनको ब्लेंड कर लूँगी, ग्राइंड करूँगी। और अनियन रोस्ट होने पर मैंने उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर डाला है, और ये जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब्स हैं, और ये डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बाहर के देशों में जो प्याज है वो अच्छे से नहीं गलती है, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है उनको गलाने के लिए, या थोड़ा सा सॉल्ट आप डाल दें। और तब तक मेरा वो मसाला भुन रहा है, मैं इधर अपनी जो कैप्सिकम है इसके छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनको काट कर तैयार कर लूँगी सब्जी में डालने के लिए। और इधर मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, पानी भी खुश्क हो गया है बिल्कुल जो डाला था। और इसके बाद अब मैं इसमें अपनी जो कैप्सिकम्स हैं वो डाल दूंगी, आपके पास किसी भी कलर की हो आप वो डाल लें, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि कैप्सिकम भी अच्छे से गल जाएं, और कवर करके मैं इसको बिल्कुल लो हीट पर 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। और तब तक वो पक रही हैं, तब तक मैं अपने मशरूम्स काट लेती हूँ। मशरूम्स मैंने धुलकर अच्छे से पोंछ लिए हैं, और उसके बाद इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है, जैसा साइज़ आप चाहें आप वैसा काट सकते हैं। और इधर कैप्सिकम्स मेरी तैयार हो गई हैं। इसके बाद मैंने ये तंदूरी करी पाउडर लिया है, जिसका 1 टीस्पून मैंने फुल डाला है, आपके पास ये हो तो डालें, नहीं तो किचन किंग गरम मसाला जो भी आप चाहें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आप वो इसमें डाल दें। और इसके बाद मैंने इसमें मशरूम भी डाल दी, और थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मशरूम भी काफ़ी पानी रिलीज़ करता है, और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, और हीट को मैंने अब मीडियम कर दिया है, और इसको कवर करके मैं इसको पकने दूंगी। इधर मैंने एक एवोकाडो लिया है और फ्रोज़न मेथी ली है। एवोकाडो जो है वो अगर राइप हो आपका तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा राइप नहीं था, कच्चा था, तो मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी थोड़ा सा इसको मॉइस्ट करने के लिए, इवन दो इतना अच्छा ये नहीं होता है। अगर राइप है तो उससे आपकी रोटियां फिर सारी फूली फूली बनती हैं, इसमें थोड़े से चंक रह जाते हैं कच्चे में तो रोटियां फूलती नहीं हैं, बट इट्स हेल्दी। मेरे घर में एवोकाडो कोई नहीं खाता है। इसको हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और बेटी को खिलाना तो महाभारत ही है, तो मैं वेज ढूंढती हूँ खिलाने के उनको। और सब्जी को मैंने एक बार बीच में चला दिया है, और इसको आप एक बार और चला के और इसमें ये टमाटो, ग्रीन चिली और जो दही का पेस्ट है आप वो डाल दें। दही मैं दिखाना भूल गई थी, वो रूम टेम्परेचर पे अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब योगर्ट थी, जिसको मैंने साथ ही टमाटर की ब्लेंड कर लिया था, उससे बड़ा अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और अब आप इसको चलाते रहें ये पेस्ट डालने के बाद, तब तक कि बॉयल ना आए,
और अब ये थोड़ी थिक लग रही थी तो मैंने वही ग्राइंडर को थोड़ा सा रिंस करके उसमें पानी डाला है और मैंने फ्रोज़न मटर ऐड कर दी है। अब फ्रोज़न आपके पास हैं तो आप इस स्टेज पर ऐड कीजिए, नहीं है तो फ्रेश मटर हैं तो आप उनको या तो बॉयल करके इस स्टेज पर डालें या तब आपने कैप्सिकम डाली थी तब आप उसके साथ डालें। और इधर मेरा अवोकैडो भी मैश करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, माइक्रोवेव हो गया है। और इधर मैंने वीट फ्लावर लिया है थोड़ा सा, उसमें मैंने रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डाला है, सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, और ये देखिए एक चंक निकला है अवोकैडो का। और उसके बाद मैं इस आटे में इसको अच्छे से मिलाऊंगी और इसका सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार करूंगी। काफ़ी हेल्दी रोटी रहती है, नॉर्मल रोटी से टेस्ट अलग है, और अगर आपके घर में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं खाता है तो ये अच्छा वे है कि उनको आप आटे में मिलाकर दें तो एटलीस्ट कुछ हेल्दी जो है वो अंदर जाएगा। और मैंने इसका ये स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लिया है, इसको मैं रख दूंगी अब थोड़ी देर के लिए। और इधर सब्जी भी मेरी तैयार ही लग रही है। इस स्टेज पर आप चेक करें कि आपको ये पतली गाढ़ी जैसी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें। और मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है जिसको मैंने क्रश करके डाला है, और ये मैंने लिया है सौंफ पाउडर, मैं रोस्ट करके रखती हूँ थोड़ा सा और इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है, वो मैंने डाला है। और मैं बस इसको एक मिनट ही पकने दूँगी और बस मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप हीट ऑफ कर दें। और इधर मैं अब सैलड काट रही हूँ, मैंने रेड अनियन लिया है, और आप प्लीज़ इस तरह ना काटें, मुझे तो आदत है काटने की इस तरह, आप चॉपिंग बोर्ड पर काटें। और मैंने थोड़ा सा कुकम्बर भी लिया है, इस कुकम्बर में वो टेस्ट नहीं है जो इंडिया वाले कुकम्बर में होता है, आई रियली मिस दोज कुकम्बर्स। और इसके बाद मैंने इनको धुल कर इनके ऊपर थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट और लेमन जूस डाल दिया है, फ्रेश हो आपके पास तो फ्रेश डाल लें। और हमारी यमी सी सैलड तैयार है। और इसके बाद टाइम आता है शाम के दिया बाती का, मैं जो अपनी दिया बाती है वो तैयार रखती हूँ एक बॉक्स में, तो सिर्फ बस आकर लाइटन करना होता है और अगरबत्ती जला दूंगी। और शाम की आरती हम लोग, अगर मैं घर पर हूँ, मेरी शिफ्ट नहीं है, तो हम लोग सब साथ में ही करते हैं। और दिया जलाने के बाद हाथ जोड़ के मैं उनको सबको बुला लूंगी और फिर हम लोग आरती करेंगे। भगवान का आशीर्वाद लेना कभी ना भूलें। और इधर मेरी सब्जी तैयार है, सलाद तैयार है और डो भी तैयार है, जब खाने का टाइम होगा बस मुझे फुलके उतारने हैं। और अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं और अब 7 बज चुके हैं, डिनर टाइम हो रहा है, तो मैंने सब्जी उतार कर स्टैंड पर रख दी है, तवा चढ़ा दिया है, घी रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं आटे को थोड़ा सा सही कर लूँगी, उसके बाद रोटियाँ बनानी शुरू करूँगी। और ये बीन्स हैं जो मैंने आज दोपहर बनाई थी, थोड़ी सी बची हुई हैं, तो अब मैं ये प्लेट लगा रही हूँ अपने हस्बैंड और बेटी की, वो दोनों साथ बैठकर खाएंगे। यूजुअली हम लोग साथ बैठकर ही खाते हैं, बट आज क्योंकि मुझे पता था रोटियाँ फूलने वाली नहीं है तो मैंने कहा तुम दोनों साथ में खाओ, तो वो दोनों आज पहले खा रहे हैं और मैं फिर बाद में खाऊंगी। और मुझे अभी भूख भी नहीं लग रही, आज मैंने फ्रूट्स काफ़ी लेट खाए थे। तो ये उनकी प्लेट तैयार है और इसके साथ ही ये थोड़े से राइस हैं दोपहर के बचे हुए, ये मैंने गरम कर दिए हैं। और सलाद तैयार है, बस अब फुलके उतार कर मैं उनको दे दूंगी। और इधर बस मीडियम साइज़ का आप पेड़ा लें और रोटी अपनी बेलें और तवे पर डाल दें, और बस तब तक पहली रोटी सिकेगी तब तक मैं दूसरी बेल कर तैयार कर लूँगी। तो बस इसी तरह आप बनाते जाइए। और मेरे हस्बैंड और बेटी देख रहे हैं मूवी कोको, बहुत अच्छी मूवी है, पहले भी देखी है हमने, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी मूवी है, एक नया आपको लेसन मिलता है, टीच करता है कि अपनी फैमिली के साथ आप किस तरह रह सकते हैं, यू नीड टू लिसन एंड फैमिली नीड टू लिसन यू, तो बहुत अच्छी मूवी है। और इधर मेरी रोटियाँ तैयार हो रही हैं, उसके बाद मैं इन पर घी लगा कर सर्व कर दूँगी। और रोटियां ऑलमोस्ट तैयार है और मेरी बेटी आ गई है बताने के लिए कि उसको मूवी कितनी अच्छी लग रही है। और रोटियां सेकने के बाद मैं हमेशा समेट कर सामान एक तरफ रख देती हूँ ताकि मैं पीस ऑफ माइंड से खाना खाऊं और किचन मुझे इतना मैसी ना लगे। सब्जी को मैं अलग बॉल में निकाल कर रख दूँगी और उसके बाद जितनी मुझे चाहिए होगी उतनी मैं अपनी गर्म कर लूँगी।
स्टैंड को भी वापस रख दिया है, तो एटलीस्ट किचन काउंटर थोड़ा सा क्लीन है। स्टोव अभी साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि वो गर्म है, अभी हाथ जलेगा। बाकी मैंने काउंटर थोड़ा सा वाइप कर दिया है और बर्तन सारे सिंक में इकट्ठे हो चुके हैं। और ये है मेरी प्लेट, मेरी दो रोटी सब्जी, और ये है गुड़ जैगरी। इसके बिना मेरा खाना पूरा नहीं होता, और मैं इंडिया से लेकर आती हूँ, ये गांव में बना हुआ फ्रेश वन है। मेरे बहुत स्वीट टूथ है, मैं बिना मीठे के नहीं खा सकती। और अभी मेरा डिनर हुआ है पूरा, और मैं साथ ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं एक बार बैठ गई तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। और आज हम सोच रहे हैं कि आज हम मूवी देखेंगे, फुकरे रिटर्न्स। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को सुलाने चली जाऊँगी। उसके सामने हम बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखते हैं क्योंकि कई बार वायलेंट सीन होते हैं या फिज़िकल सीन होते हैं, बच्चा बहुत नाजुक होता है, वो नोट करता है। तो बेटर है कि अवॉइड करें, और वैसे भी दुनिया में इतना कुछ गलत चल रहा है, तो बच्चों को एटलीस्ट जब तक उन चीज़ों से आप दूर रखें तब तक ही बेटर है। तो हम लोग मूवी देखेंगे, पहले उसको सुला दूँगी और उसके बाद फिर हम लोग मूवी देखेंगे आज। और मैंने किचन काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं अपने जो बर्तन है स्टैंड में उनको लगाऊंगी। ये लंच बॉक्स है मेरे हस्बैंड का, तो काउंटर टॉप क्लीन है तो मैं ये काउंटर पे ही रखती हूँ। पूरे 5 डेज़ ये काउंटर पे ही रहता है ताकि सुबह को मैं जगल ना करूँ इधर उधर के कहाँ लंच बॉक्स है कहाँ लिड है। और उसके बाद जितने भी बर्तन थे स्टैंड पर वो सब मैं हटा दूँगी वहाँ से, और जो पानी ड्रेन हुआ है वो पानी साफ़ करके अब मैं अपने बर्तन जो हैं वो साफ़ करने शुरू करूँगी। और हमेशा वही वे होता है कि पहले मैं उनको स्क्रब करके उनके ऊपर से जितनी भी झूठन होती है सब वो हटा देती हूँ, उन्हें काउंटर पे इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी सिंक को अच्छे से मांझ लेती हूँ ताकि अगर सिंक में कोई झूठन है तो वो मेरे साफ़ हुए बर्तनों पर ना लगे, और जो जाली के ऊपर कूड़ा होता है वो फेंक देती हूँ। और जो मेरा डिश सोप लिक्विड है आप देख रहे होंगे कि मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, आप भी बताइए आप भी ऐसे ही रखते हैं क्या, ताकि आखिरी बूंद तक मैं उसको यूज़ करूं, कुछ भी वेस्ट ना जाए। और इधर मैंने फटाफट अपने सारे जो बर्तन हैं वो मैं क्लीन करने शुरू कर दिए हैं, उनको धोकर स्टैंड पे लगा दूंगी, और तब पानी ड्रेन इनका हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको पोंछ कर रखूँगी। यूजुअली मैं मॉर्निंग में आके ये बर्तन लगाती हूँ, रात को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि मोस्टली बर्तन इनमें से सुबह भी यूज़ होते ही हैं। और मैं नया टॉवल शाम को लगा देती हूँ तो अगले दिन के लिए किचन तैयार है। पानी हम लोग बॉयल्ड ही पीते हैं, तो जो कैटल में पानी था वो मैंने जग में कर दिया है, और कैटल को मैंने भर के फिर से ऑन कर दिया है ताकि पानी तैयार रहे। और अब मैं लूँगी अपनी विटामिन डी की गोलियाँ, क्योंकि विटामिन डी डिफिशियंसी है यूके में ऑलमोस्ट लाइक हर तीसरे चौथे आदमी को होती ही है, तो ये मैं खाने के बाद लेती हूँ। और बस यही था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है, लंच बॉक्स वहाँ पर रखा है, स्टोव भी मेरा बिल्कुल क्लीन है, बर्तन धुल चुके हैं, सिर्फ हूवर और बिन चेंज करना बचा है, और हूवर मेरे हस्बैंड करेंगे क्योंकि मैं बेटी को सुलाने जा रही हूँ, उसको जल्दी सोना है, काफ़ी थकी हुई है। और जो ये टॉवल है ये मैं अब रात को तब लॉन्ड्री ऑन करूँगी तो तब मैं उसमें डाल दूँगी, तो बस हूवर बचा है और बिन चेंज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलते हैं आपके अपने दीप सॉल इन वन चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।